सकता है बाबा का फ़ोन हो, वो मुझसे बात करना चाहते हो। मैं देख लेती हूँ। मैं देखती हूँ। हेलो जी 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 आपा जी जी ठीक है अल्लाह हाफिज़। आपा का फोन था, आ रही आधे घंटे। क्या हो रहा है भाई? भाई ये कुछ शर्ट्स धोई थी अपनी, सुखाने के लिए डालने जा रहा हूँ। और पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी जा रही है। और जॉब अच्छे तरीके से मैनेज हो रही है ना? आपको तो पता है भाई, मेरे लिए कोई भी काम मैनेज करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे से ज्यादा बेहतर तुझे कौन जान सकता है। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझसे समीर ने तुम्हारे और रूही के बारे में बात की थी, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा, मैंने तो समिया से कहा था कि जो शाहजेब की मर्जी होगी वही होगा। भाई मैं क्या कहूँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अच्छा तो फिर इतनी सोचने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? ऐसे मुझे लगता था कि तुम अभिया में इंटरेस्टेड हो। बिया? अपनी बिया? क्या हो गया भाई, बिया मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है बस, और कुछ नहीं। बिया को तो मैंने कभी उस नजर से देखा ही नहीं है। ठीक है फिर मैं समिया से कहता हूँ कि हमें रिश्ता मंजूर है। ठीक है जैसे आपको ठीक लगे। चल ठीक है। आप यहाँ कैसे? तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब साफ है, अभी कुछ दिनों पहले ही आपकी मंगनी हुई है, अब तो शादी के बाद ही कदम रखना चाहिए। नहीं जवाद और मैं ना इन स्टूपिड ट्रेडिशंस पर कोई नहीं बिलीव रखते, और वैसे भी अब जवाद पर और इस घर पर मेरा पहले से भी ज्यादा हक है, एंड यू कांट डिनाई मी दैट। जहां तक डिनाई करने की बात है ना, तुम्हें बहुत सारे लोगों को यूं मिनटों में डिनाई कर सकती, मगर क्या है कि पराए फड्डों में ना टांग अड़ाना हीरा बेवकूफ़ ही समझती है, और हीरा बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा हीरा बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन हीरा बेबस तो है ना। हीरा इस दुनिया को जूते की नोक पे रखती है, खासतौर पे उस दुनिया को जिसमें तुम रहती हो। हीरा स्टॉप इट, यू हैव नो राइट टू टॉक टू मी लाइक दैट। एग्जैक्टली, तुम्हें भी कोई हक नहीं पहुंचा कि तुम मेरी इंसल्ट करो। हीरा कैसे बात करे तुम उजाला से? अगर आप एक मिनट भी पहले आते ना, तो आप ये जानते कि मैं इस तरह से क्यों बात कर रही हूँ। जब आपको कुछ पता ना हो ना, तो मुझसे सवाल जवाब मत करें। हीरा तुम्हारे घर में रहते हुए ये तुमसे इस तरह बात करती है, तो तुम्हें लगता है कि इस घर में जब मैं आऊंगी तो ये मेरी रिस्पेक्ट करेगी? वैसे मैं तो भाई की बात सुनकर हैरान ही रह गया। क्यों, इसमें क्या हैरत की बात है? यार मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि समिया भाभी मेरे रिश्ते की बात कर लेंगी तुमसे। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, पहले तो मैं समझता था कि मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे भाभी को मनाने के लिए, लेकिन ये काम तो ऑटोमेटिक ही हो गया। क्यों, ऐसा क्यों समझा तुमने? भला उन्हें किस बात से इतराज होता? असल में ना रूही वो क्या हुआ है, चुप क्यों हो गए हो? असल में ना रूही वो भाभी से ना मेरे ताल्लुकात
कुछ अच्छे नहीं थे कुछ दिनों पहले, तो मुझे नहीं लगता था कि वो अपनी बहन का रिश्ता मुझसे करने के लिए राजी हो जाएंगी, वो भी इतनी जल्दी। हैरत है, तुम दोनों के ताल्लुकात क्यों खराब रहते थे? यार अब इस क्यों का जवाब तो नहीं है ना मेरे पास, जाने दो ना इन पुरानी बातों को, भूल जाओ। मेरे लिए तो आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिंदगी भर याद रहेगा। तुम खुश हो? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, बस अब अब्बा जी के ऊपर है यार, वो कोई मसला ना खड़ा कर दे बस। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई हो? अब्बा जी का कुछ पता नहीं, जिद के बड़े ही पक्के हैं, ना माने तो। हाँ यार ये तो है। आई बाजी। तुमने फिर बदतमीजी की है ना उजाला से और जवाद से। यूं कहें कि उनकी शान में गुस्ताखी कर दी है और अब इसकी सजा भुगतनी होगी। बच्ची नहीं हो तुम हिरा, अच्छी तरह जानती हो हमारी इस घर में हैसियत क्या है, फिर भी अपनी हठधर्मियों से बाज नहीं आती हो तुम। पहले खाला, फिर उनकी चची सास, और अब ये उजाला बेगम, क्या हम सारी जिंदगी इन्हीं के हुक्म मानते रहेंगे? कोई मुलाजिम भी होता है ना मामा, उसकी भी बार बार इंसल्ट पे वो नौकरी छोड़ के चला जाता है, मगर हम, हमें तो इनकार करने का कोई हक ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ऐसा ही समझ, लेकिन हेरा आज के बाद मैं ना सुनो कि तुमने उजाला के साथ कोई बदतमीजी की है या उसकी किसी बात से इनकार किया है, समझी? हमें इस घर में लाने वाली आप हैं, इनका जर खरीद गुलाम बनाने वाली आप हैं। बच्ची नहीं ना मैं, सब समझती हूँ। अगर आपने थोड़ी सी लचक दिखाई होती, समझौता कर लिया होता अपने शौहर के साथ, उसका घर छोड़कर यहाँ आके नहीं बैठ जाती, तो हमें ये सब कुछ नहीं फेस करना पड़ता ना मामा। कम अज कम इतना ही सोच लिया होता मामा कि बिना बाप के आपकी बेटियों का फ्यूचर क्या होगा। हीरा, क्या शोर लगाया हुआ तुमने, और तुम ये किस लहजे में बात करी हो खाला से? आप ही ने मामा को शिकायत लगाई है ना कि मैंने आपकी चहेती के साथ बदतमीजी कर दी। मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई किसी से, लेकिन तुम खाला से जिस लहजे में बात करी वो सरासर गलत है। माफी मांगो उनसे। मामा का तो सिर्फ बहाना है, असल गुस्सा तो इस वजह से आ रहा है कि आपकी उजाला बेगम की शान में गुस्ताखी कर दी है ना। सही कहती उजाला, तुम ठीक नहीं हो सकते। अब्बा जी क्या कह रहे हैं आप, मैं तो इतने मान से आपके पास आई थी, अब रूही के लिए मेरे ससुराल से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है भला? अरे पुत्र, ये बात नहीं है कि तेरे ससुराल में कोई मसला है, अब मेरे इनकार की वजह कुछ और है। बच्ची शाहजेब की सारी जिंदगी आपके सामने है, तालीम पूरी कर ली है, जॉब स्टार्ट कर दी है, कोई चीज आपसे छुपी हुई तो नहीं है, अब इससे अच्छा लड़का आपको कहाँ मिलेगा? तो मैं मानता हूँ कि शाहजेब बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो बेटियों की शादी एक ही घर में कर दी जाए, बस इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब्बा जी, देख पुत्र, ये तेरा अपना घर है, जब जी चाहे तू यहाँ आ सकती है, जितना चाहे तू यहाँ रह सकती है, बस इस मसले पे मैं अब कोई और बात नहीं करना चाहता। चलो अब जाओ यहाँ से, क्यों नदीदों की तरह देख रहे हो? अच्छा बता तो दो क्या बना है, बहुत जोर की भूख लग रही है। कहाँ है ना, जाओ यहाँ से, नहीं बताऊंगी। अच्छा भाई मत बताओ।
बिया, बिया, अरे बिया, रुको तो सही, कहाँ जा रही हो, रुको ना। और एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूँ जबरदस्त, तुम सुनोगी ना हैरान रह जाओगी। इतने खतरनाक इरादे, क्या हुआ है? तुम्हें पता है भाभी कहाँ गई हुई है? मेरा रिश्ता लेके गए रूही के घर, और भाभी ने मुझे बोला है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, रिश्ता तो मैं पक्का करके ही आऊंगी। अल्लाह करे कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए। अरे जब तुम जैसे दोस्तों की दुआएं मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे अपनी मोहब्बत क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा चलो, अब चलो मेरे साथ। तुम चलो, मैं आती हूँ, अभी अभी तो आई हूँ। सुनो लड़की, जो तुम्हारे नखरे है ना, ये किसी और को दिखाना, समझ आई? मेरे साथ ये नखरेबाजी नहीं चलेगी, चलो मेरे साथ, चलोगी तुम? आ जाओ। तो छोड़ो। अरे बहुत नखरे हो गए हैं सबिया के, मैं वहां से बुला रहा हूँ, आई नहीं रही थी, कह रही थी कि वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं भी हाथ पकड़ के घसीट के ले आया इसको। चलो बैठो। अरे बैठो कि तुम्हारे लिए स्पेशल सीट मंगवाऊं, बैठो बैठो ना भैया तुम। हाँ बैठ रही हूँ, लेकिन इसे समझाओ, अब ये हरकतें इसको सूट नहीं करती। खींचता हुआ लेके आया है मुझे, बहुत बुरी बात है शाहजेब। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ये हम बचपन से ही ऐसे हैं, सही है? और ये सारी ऊटपटांग हरकतें हम लोग साथ करते थे, इसको पता नहीं क्या हो गया, और मैं ना तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, पता है तुम्हें? क्यों, मैंने क्या किया है? क्या किया है? तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की इतनी बड़ी खुशी है और तुम सेलिब्रेट करने नहीं आई? दरअसल मैंने सोचा कि तैयार होकर आऊं, इस तरह। बस बस बस, ज्यादा बहानेबाजियां नहीं करो, तैयार हो क्या? मुझे तो तुम हर रंग में खास ही लगती हो। अब आ गई हो तो लो, डालो कुछ, दो भाई। खाओ ना भैया तुम। मैं आपकी सबसे छोटी बहन हूँ, मेरा हक तो सबसे ज्यादा बनता है। कब से अरमान था रूही को अपनी बहू बनाऊं। वो तो ठीक है, पर देखना, अगर तुझे रूही के लिए हाँ कर दूं, तो आपा रशीदा नाराज हो जाती है। उसने अपने बेटे के लिए मुझसे कहा हुआ है। आपा का लड़का रियाज ना रूही से उम्र में बहुत बड़ा है, उनका तो जोड़ ही नहीं बनता। अब मेरा असलम ना उसके साथ का है, दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। और वैसे तो समिया भी रिश्ता लेकर आई दी है। हैं? समिया किसका रिश्ता लेकर आई है? वो अपने देवर शाहजेब के लिए, अच्छा बड़ा लिखा लड़का है, देखे भाले लोग हैं। भाई जी ये क्या कर रहे हैं आप, एक ही घर में दोनों बेटियां देंगे, ऐसा कभी हुआ है हमारे खानदान में? तो मैंने कौन सी हाँ कर दी है, मैंने तो सुनते ही इनकार कर दिया था। बस तो फिर ठीक है, मेरे असलम के लिए ना हाँ कर दे, और मैंने ना हाँ करवा के ही जाना है, मैंने नहीं जाना यहाँ से जब तक आप हाँ ना कर दे, मुंह मीठा करके ही जाऊंगी मैं यहाँ से। और देख मुझे सोचने दे, जिंदगी भर का मामला है, यूं तेली पे सरसों ना जमा। अच्छा मैं जरा सरफराज के साथ जा रहा हूँ, जमीनों के काम है, रात तक आ जाऊंगा। भाई जी मैंने भी नहीं जाना यहाँ से, मैं बैठी रहूंगी यहाँ पे। अच्छा 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 बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? जीती रहो जीती रहो। आओ बेटा, गुड मॉर्निंग। जस्ट इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आओ बैठो नाश्ता करो। क्या लोगे? अच्छा इसमें से तो मैं कुछ नहीं लूंगी। तंजीला आंटी प्लीज मेरे लिए एप्पल जूस बना देंगी। एप्पल्स किचन में रखे हैं और फ्रेश जूस आप खुद बना लीजिए। हीरा तुम हर किसी से तरूली। जवाब
अच्छा ये तुम हर वक्त क्या खाते रहते हो? जब से पाकिस्तान आए हो अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। तंजीला आंटी आप खाने में स्पाइसेस बहुत ज्यादा डालती हैं। प्लीज थोड़ी सी कम डालिया करें। अरे नॉट एट ऑल, आई थिंक तंजीला बहुत अच्छा खाना बनाती क्योंकि मुझे स्पाइसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। आंटी ये तो सिर्फ मैं अपने और जवाद के लिए कह रही थी। अच्छा जवाद आज हमने शॉपिंग के लिए जाना है, याद है ना? शॉपिंग? वाओ बहुत अरसा हुआ मैंने भी शॉपिंग नहीं की, मैं भी साथ चलूं? हीरा खामोशी से नाश्ता करो, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। आंटी क्यों डांट रही है बेचारी को? देखिए आप शॉपिंग पे ले जाए ना, पैसे मैं दे दूंगी। नहीं चाहिए मुझे। इतने नखरे मत करो, हम ही देंगे तो तुम कहां से लाओगी पैसे? मुझे पता है कि तुम और बिया हम दोनों की ही जिम्मेदारी हो। बहन के घर में बेटी देने से पहले सोच लेना, बहन तो अपनी है, मोहब्बत भी करेगी, पर वो बहनोई को क्या भरोसा, वो कल को बेटे को लेकर तो जायदाद में इसका मांगने खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? ठीक कह रहा सरफराज, मैं अभी यही सोच रहा हूं। वैसे तो समिया भी एक रिश्ता लेकर आई हुई है अपने देवर शाहजेब के लिए। वो कहती है कि औलाद ना होने का बहाना बनाकर वहाब किसी भी वक्त दूसरी शादी कर सकता है। अगर रूही का रिश्ता शाहजेब से हो जाए तो समिया का खूंटा मजबूत हो जाएगा। पर भाई जी खानदान वाले क्या कहेंगे कि एक ही घर में दोनों बेटियां दे दी? अब खानदान की बात तो ठीक है सरफराज, पर खानदानी रीत रिवाज की खातिर मैं समिया को तलाक तो नहीं दिलवा सकता ना। भाई जी आप बड़े हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे आपकी मर्जी। बस दुआ कर सब ठीक हो जाए। अल्लाह खैर करेगा जी। बहुत दिन हुए शाहजेब नहीं आया, उसकी तरफ चले? क्यों कोई काम है? नहीं मुझे क्या काम होगा। लेकिन शाहजेब तो इस वक्त ऑफिस में होगा ना? हाँ ये भी है। हेरा क्या हुआ है? कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत बेजारी हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, दिल कर रहा है यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं मैं। कैसी बातें कर रही हो, खुद को संभालो। मेरी खातिर, अम्मी की खातिर? नहीं भैया मैं यहाँ नहीं रह सकती, पता नहीं मैं अगर यहाँ रहूंगी ना तो मैं पागल हो जाऊंगी, या मैं खुद को कुछ कर लूंगी या फिर उस उजाला के साथ कुछ गलत कर दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी हीरा, ना ही अपने साथ और ना ही किसी और के साथ। चलो अम्मी के पास चलते हैं, वो दम करके तुम पे कुछ फूंक देंगी। चलो जवाद मैं ढूंढ रही हूँ, पर्स में वॉलेट नहीं है, अगर होता ना तो यही होता, किसी ने वॉलेट निकाल लिया। लेकिन इस घर में तो बाहर से कोई नहीं आया तो कौन तुम्हारा वॉलेट निकाल सकता है? ये तो कहने की बात है ना कि बाहर वालों के अलावा ये हरकत और कोई नहीं कर सकता। जब मैं लाउंज में आई थी ना तो हीरा बैठी हुई थी यहाँ पर। हीरा? हाँ हीरा, वो देखो वो आ गई है। अब पूछो इससे, इसे मेरा वॉलेट क्यों निकाला है?
हिरा ऐसा नहीं कर सकती। आपका वॉलेट कहाँ है कहाँ नहीं हमें नहीं पता, लेकिन आपको इस तरह किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। चलो हिरा। तंजीला और उसकी बेटियां इसी घर का हिस्सा हैं, और कोई अपने घर में चोरी कैसे कर सकता है? उजाला माँ सही कह रही है, हिरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम वॉलेट लेके नहीं आई होगी। जवाद, तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है ना, इसीलिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उजाला, तुम्हें तुम्हें देख लूंगी। शायद आपने सुना नहीं कि खाला और जवाद ने मेरे बारे में क्या कहा। कोई तुम्हारे बारे में क्या कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर में अब सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। देख लेते, ये जो तुम्हारी आंखों की चमक है ना, इसे मैं खूब समझती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे? जवाब तुम्हें हमदर्दी की नजर से तो देख सकता है, लेकिन मोहब्बत की कभी नहीं। जाला, तुम्हारे बोल चुके। चलो जवाब, लस्को। दिल मेरे तू बता, क्यों मिली तन्हाइयां? खो गई हर खुशी, साथ है रुसवाइयां। लानत है हम पर, कैसी कैसी बातें बर्दाश्त करते हैं फिर भी यहीं रहते हैं। मैं भी यही सोच। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि खाला ने हमें अपने घर में रखा हुआ है, हम पर खर्च करती हैं वो। जानती हूँ। बस भैया, बहुत हो गया है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए फौरन। जब तक मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती ना और मुझे कोई अच्छी जॉब ना मिल जाए, तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। इस सब में अभी देर है, तब तक इस औरत की बातें मुझे मार देंगी। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब कुछ। अब बस बहुत हो गया, हमें हमें कहीं ना कहीं जाना होगा। इस घर को हमेशा के लिए छोड़ना होगा भैया, कुछ करो बस, चलते हैं यहाँ से। भैया मेरी बात सुनो, मेरे पास इस सब का एक हल है। मुझे किचन में जाना है, खाला ने चावल बनाने के लिए बोला था, वो जाके कर लूं। ऐसे कह रहे जैसे सारा मामला ही खत्म हो गया है। अब्बा जी ने इनकार जरूर किया है, लेकिन मैं अब्बा जी से दोबारा बात करूंगी, मुझे पता है कि वो मेरी बात मान जाएंगे। समिया, जब उन्होंने ये कहकर इनकार किया है कि उनके खानदान में एक घर में दो बेटियों की शादी नहीं करते, तो फिर इस वजह के बाद तुम उन्हें किस तरह राजी करोगी? मेरे ख्याल में तुम घर वापस आ जाओ। वो मेरे अब्बा जी हैं, मैं उनके मिजाज को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप रहने दें ये बातें,
शाहजेब से कह दें कि अब्बा जी ने ना थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम मांगा है, और वो फोपो हमीदा वाला शोशा वो आपने शाहजेब और रूही के सामने बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ ओके। मैं तुम्हारा मुतालबा पूरा कर चुकी हूँ। तुमने वादा किया था कि तुम दोबारा मुझे तंग नहीं करोगे। अरे हाँ हाँ, किया था वादा, मैं अब भी अपने वादे पे कायम हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक मजबूरी आन पड़ी है ना। नहीं है मेरे पास पैसे। अच्छा, तेरी मर्जी, फिर मुझे मजबूरन अपनी बेटियों से मदद लेनी पड़ेगी। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुमने तो मुझे जबान दी थी कि तुम बच्चियों से दोबारा रابطہ भी नहीं करोगे। अरे तू मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। वो सिर्फ मेरी बच्ची है, समझे तुम छोड़ चुके हो उन्हें। अरे एक दफा मिल तो लेने दे, फिर देख लेंगे किसकी बेटियां हैं वो। तुम नहीं मिलोगे उनसे। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ज्यादा रकम नहीं है मेरे पास। अरे ठीक है ना, जितनी भी है उतनी दे दे, मेरा तो काम चलेगा ना। ठीक है, आज दे दूंगी पैसे, लेकिन उसके बाद मुझसे रابطہ करने की कोशिश भी मत करना, समझे। हाँ हाँ, नहीं करूंगा, फिक्र ना कर। या अल्लाह, मेरी बच्चियों को इस शख्स के साए से भी महफूज रख। जवाब ने जो पैसे शॉपिंग के लिए दिए थे वही देने पड़ेंगे इसे। जान तो छुड़ानी है ना इस शख्स से। मामा कहाँ जा रही हैं आप? बेटा मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, तुम घर पे ही हो ना, किचन देख लेना। मामा लेकिन रात को तो आपका बीपी इतना हाई था, आपकी तबीयत सही नहीं है। अब ठीक हूँ बेटा, जाना जरूरी है, कुछ दर्जी के कपड़े देने हैं, आपा के लिए कुछ चीजें वीजें लेनी है, किचन का सौदा लेना है। मुझे बता देना, मैं चली जाती हूँ। चली जाऊंगी ना मैं बेटा, क्या मसला है? जब बिया कह रही है कि काम वो कर देगी तो फिर आप जाने की जिद क्यों कर रही हैं? ओफो, क्या हो गया, पहली दफा जा रही हूँ बाजार में। अब मैं सारा काम इसे समझाऊं, दर्जी के नाप में गड़बड़ होगी, फिर जाना पड़ेगा, उसे बेहतर नहीं मैं खुद ही काम कर लूं। अच्छा मामा, मैं तो आपकी तबीयत की वजह से कह रही थी। सब्जियां निकाल दी हैं मैंने, बना लेना। जी, ख्याल से जाइएगा, अल्लाह हाफिज। इनकार कर दिया अब्बा जी ने? नहीं नहीं, इनकार नहीं किया उन्होंने। देखो बाजी, जो भी बात हो ना मुझे साफ साफ बता देना, मैं इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया तुझे रूही, मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरे से कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तो फिर बताए ना, क्या कहा है अब्बा जी ने? अब्बा जी ने ना सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। बस इतनी सी बात है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं दो चार दिन और रुक जाती हूँ, फिर खुशी की खबर लेके ही वापस आऊंगी। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, अपना ख्याल रखना, और ना घर पे सारों को मेरा सलाम कह देना। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। इसको क्या बताऊं मैं कि असल टंटना तो फुप्पो हमीदा ने खड़ा किया है। मैं इस फुप्पो को भी निकालने का बंदोबस्त अब कर लूं। क्या पापा से बात हो रही थी? नहीं, बाजी से। अच्छा अच्छा, वैसे रूही तुम्हारे अब्बा कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लगा रहे भाई, इतने टाइम में तो फसलें पक्के तैयार हो जाती हैं। हाँ दोगे शाहजेब, इतना भी क्या मुबालगा? वाह, तो मैं मुबालगे की पड़ी है,
यहाँ मेरी रातों की नींद हराम हुई है। दिल तो मेरा कर रहा है कि तुम्हारे अब्बा की फसलों पे ना बिल्डोजर चला दूं। मेरी बात सुनो जरा ख्याल से, मेरे अब्बा जी हैं वो, समझे हो? अरे तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो दे देंगे जवाब। तू क्यों इतना तावला हो रहा है? मैं अपने भाई के घर दो दिन नहीं रह सकती। भाई जी को पता नहीं क्या हो गया है, औलाद के कहने में आकर ना बड़े बड़े फैसले करने लगे हैं। खानदान बरादरी की तो फिक्र ही नहीं है उन्हें। बेटी का शुमार भी ना खानदान में ही होता है फूफो, बल्कि सबसे करीबी ताल्लुक तो बेटी से ही होता है। इसलिए इंसान को ना अपनी औलाद का ख्याल पहले रखना चाहिए। तो सारा खानदान जाए भाड़ में चूल्हे में झोंक दो। हाँ, तो इसका मतलब है कि अब्बा जी इस खानदान की खातिर बेटे की खुशियां दांव पे लगा दें। वाह फूफो वाह, कमाल कर दिया आपने। हाँ तो ऐसी क्या आफत आ गई थी बेटी की खुशियों को कि तुम खानदान भर की नाक कटवाने पर तुर गई हो? पुरखों से हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई जी ने तो ये भी नहीं सोचा कि मैं अपने ससुराल में क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने तो बड़े मान से रिश्ता मांगा था अपनी रूही का, मुझे क्या पता था भाई जी इनकार कर देंगे। अच्छा तो ये बात है ना फूफो कि आपको रूही और असलम की शादी ना होने का दुख है, ये खानदान की नाक को क्यों आप बीच में लेके आई हैं? तुम तो चुप ही कर जाओ, मैं तो तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहती। मैंने तो यहाँ रहना ही नहीं है। मैं अभी आप रशीदा को जाके बताती हूँ कि भाई जी से बात करें, खानदान को क्या हंसी खेल समझ रखा है। अरे जा परा हो। कैसे निकाला? कहाँ गायब हो शाज़ी, नजर ही नहीं आते आजकल। क्या बताऊं बिया, आजकल बहुत परेशान हूं मैं। क्यों, क्या हुआ? भाभी ना अपने अब्बा के यहाँ जाके गांव में बैठ ही गई है, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। तुम फिक्र क्यों करते हो? रूही तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी। मुझे तो टेंशन इस बात की है कि अगर भाभी अपने मिशन में नाकाम हो गई तो क्या होता है? मैं हूँ, अम्मी है, हम सब हैं। रूही के अब्बा से बात कर लेंगे ना, तुम टेंशन मत लो। वैसे बिया तुम ना मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट की भी बेस्टेस्ट। तुमसे अच्छी दोस्त मुझे मिल ही नहीं सकती। भैया ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? हाथ काट लिया अपना। चलो चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, आओ। मैं ठीक हूँ, छोड़ो। क्या आप ठीक हो? इतना खून निकल रहा है इसमें से। कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। आइंदा मुझसे रब्ता करने की कोशिश ना करना। हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे रब्ता करने का। ना मुझे फोन करोगे और ना ही मेरी बेटियों से मिलने की कोशिश करोगे, समझे? हाँ हाँ यही तो तय हुआ था। अब क्या लिख के दे दूं? और वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहता, चला जाऊंगा आज अपने शहर वापस। ठीक है आंटी, आपने बिया और हिरा के बारे में सोचा? आई मीन उनके फ्यूचर के बारे में। अभी तो पढ़ रही हैं दोनों, फिर सोचेंगे उनकी शादी वादी के बारे में। हाँ उजाला, आई एग्री।
इनकी पहले पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही शादी का सोचेंगे। जी बिया तो काफी सीरियस है अपनी एजुकेशन के बारे में, लेकिन हीरा जो है ना उसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे मेरे ख्याल में तो टाइम जाया नहीं करना चाहिए, इंस्टेड हीरा की शादी कर देते हैं, है ना? नहीं अजाला ये सूटेबल नहीं रहेगा, अभी हीरा मैच्योर है। तुम्हारे जहन में कोई रिश्ता है क्या? जी आंटी एक बहुत अच्छा रिश्ता है, एक लड़का है सीधा साधा है और हीरा जैसी इमेच्योर लड़की के लिए आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट है। कोई रिश्तेदार है? नहीं आंटी रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन डैडी के एम्प्लॉय का बेटा है। वेरी वेरी नाइस फैमिली, और यू नो हमारी वजह से वो कोई बैकग्राउंड चेक भी नहीं करेंगे। उजाला नहीं, मेरे ख्याल में ये रिश्ता बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जवाद कैसी बात कर रहे हो? देखिए आंटी आप लोगों को पता तो है कि डिवोर्स पेरेंट्स की बेटियों का रिश्ता कितनी मुश्किल से होता है। तुझे ये बकवास हमीदा से करने की क्या जरूरत थी? अब पूरे खानदान को मेरी शिकायतें करती फिरेगी वो। अब्बा जी आपको अपनी बिरादरी के जुल्म की पड़ी हुई है, चाहे आपकी दोनों बेटियों की जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। अरे रोना तो बंद कर ताकि तुझे समझ लगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब्बा जी 5 साल हो गए मेरी शादी को, अभी तक मैं औलाद से महरूम हूँ। आगे भी डॉक्टर ने कहा है कि कोई उम्मीद नहीं है। तो इस बात का रूही की शादी से क्या ताल्लुक है? अब्बा जी अगर वहाब ने दूसरी शादी कर ली ना औलाद की खातिर तो मैं किधर जाऊंगी? मुझे तो घर से निकाल देगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वो ऐसी जुरत कैसे कर सकता है? मैं उसे हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगा। अब्बा जी वो मर्द है, शौहर है मेरा, कर सकता है ऐसा। और जब तक आपको पता चलेगा ना मेरे सर पे तलाक के 3 पत्थर पड़ चुके होंगे, उसके बाद चाहे आप उस पे कुत्ते छोड़ देना कोई फायदा नहीं, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो चुकी होगी। पर इस बात का भी कोई ताल्लुक रूही की शादी से नहीं है। और ताल्लुक है अब्बा जी, वहाब और शाहजेब दो भाई है, दोनों जान छिड़कते एक दूसरे के ऊपर। वहाब अपने भाई की खुशियों की खातिर कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। और मुझे यकीन है अब्बा जी कि रूही उस घर में मेरी दीवानी बनके नहीं मेरी ढाल बनके जाएगी। पर बरादरी बाढ़ में गई बरादरी। अब्बा जी आप बरादरी के सबसे बड़े हैं, लोग आपका कहा मानते हैं, बरादरी में वही होता है जो आप कहते हैं। अब्बा जी सोचे इस बारे में। चुप तो कर जा और ना रो ना रो, सोचने तो दे मुझे। मैं तो अपनी बच्चियों को अतीक के साए से भी महफूज रखना चाहती थी, मगर मैं भूल गई थी कि अतीक का नाम तो बदकिस्मती से इनके साथ चलता ही रहेगा। मैं कहाँ जाऊं मेरे अल्लाह? क्या करूं मैं अपनी बच्चियों की खुशियों की खातिर? मुझे रास्ता बता दे मेरे अल्लाह, मुझे रास्ता बता दे।